हमारे विश्वविद्यालय में वेतन कटता रहा है, जिनका नहीं सत्यापन होकर आया है उनका कटता रहा है, और यही नियम कानून कहता है। मैं उसी नियम कानून से करूंगा। मैं कहा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बुधवार को वेतन भुगतान रोके जाने को लेकर जमकर हंगामा किया। कर्मचारी रजिस्ट्रार के चैम्बर में चले गए और अपनी नाराजगी उन्हें बताई। अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र को चैम्बर में बंद कर दिया और गेट पर ताला जड़ दिया। वही कर्मचारियों ने थोड़ी देर बाद ताला खोल दिया, जिसके बाद रजिस्ट्रार बाहर आए। वही बाहर निकलने के बाद रजिस्ट्रार को पैदल ही जाना पड़ा। कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान कर्मचारी और रजिस्ट्रार दोनों ने अपनी अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। शिक्षकों का आया हुआ महीना भर होने जा रहा है, बीच में रजिस्ट्रार बदल गए, फिर आगे पावर भी आ गया। वेतन पर जब मांगने जाते हैं तो मैं ये पेपर दिखूंगा, ये दिखूंगा, एक बहानाबाजी। इससे प्रमाणित होता है कि वेतन में भी लेन देन होगा क्या? इससे प्रमाणित होता है? अरे तो वेतन क्यों नहीं छोड़ा यहाँ के कुल सचिव और कुलपति महोदय ने? क्यों कर्मचारी को इस तरह के तबाही रोड पर ला के खड़ा किए हुए हैं? सारे कर्मचारी टीचर आज इंटरेस्ट लेके पैसा पर खाना खा रहा, बेटा बेटी का एडमिशन करा रहा है, कहाँ से देगा? अब वेतन मांगते तो कहते कुलपति को जाकर घेरो, कुलपति को कहाँ घेरने जाएगा? ये बात नहीं कही। तो क्या बोले हैं? नहीं बोला, उनसे वार्ता कीजिए। घेराव नहीं कोई किया, वो लोग वार्ता करने आए थे। तो पहले कुछ लीडर आए, उनके पीछे और भी लोग थे, नीचे ऊपर से आवाजें आ रही थी। कर्मचारियों ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए, उन आरोपों का मैंने जवाब दिया। सैलरी की मूल बात आई, उसी मूलतः सैलरी ही की बात थी, बाकी ऐसी बात। तो मैंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि नियम पर नियम के अनुसार होगा, और सर आप फाइल में ये लिखे वो लिखे क्या नहीं लिखे, मैंने कहा कि मैंने यही लिखा है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय में दो श्रेणी के कर्मी हैं। कर्मी मतलब शिक्षक भी आ गए, शिक्षकेतर कर्मचारी भी आ गए। मैंने लिखा है कि दो तरह के कर्मी हैं, एक जिनका वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापित होकर आ चुका है और एक जिनका नहीं आया। दूसरा मैंने लिखा कि इस परिप्रेक्ष्य में जिनका वेतन सत्यापन कोषांग से होकर आया है उनका किया जाएगा, और जो वेतन सत्यापन कोषांग से नहीं होकर आया है उनका जो भी शिक्षा विभाग का जो पत्र है उसके अनुरूप उनका वेतन जाएगा, यही लिखा हुआ है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।